हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वक्त में हम IUPAC नेमिंग देख रहे थे, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। आज हम थोड़ा डिटेल में और जाएंगे इसकी। तो लास्ट में हमने देखा था कि IUPAC नेम लिखते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने एक क्रम बनाया था कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्रम हो जाता है, हमें इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए नाम लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये क्रम हमारे पास है। आगे पहला कंपाउंड है हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, ठीक। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए यही क्रम ध्यान रखना है। और पिछली बार का ध्यान था हमें कि पहले सबसे लंबी कार्बन चेन लेते हैं, उसके बाद उस कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी जाती है, ठीक। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी इसमें, तो यहाँ से हम काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम कैसे भी करें तो 6 कार्बन वाली कार्बन चेन सबसे लंबी कार्बन चेन हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे जाएगा, पहली बात तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो जहाँ से सब्सटेंट को कम नंबर मिले वहाँ से क्या होगा, वो वाली नंबरिंग सही हो जाएगी हमारी। तो सब्सटेंट यहाँ पे दो सब्सटेंट है हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसे देंगे, जहाँ से सब्सटेंट को कम नंबर मिले तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरा नंबर मिल रहा है मिथाइल ग्रुप को और यहाँ से तीसरा नंबर मिल रहा है इथाइल ग्रुप को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर जो हम नाम लिखना शुरू करें नंबर वाइज, तो नाम हो जाएगा 2-मिथाइल, ठीक है। दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, चौथे कार्बन पे इथाइल ग्रुप, तो 4-इथाइल और हेक्सेन, ठीक है। पर ये नाम अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। सही क्यों नहीं है ये नाम, क्योंकि एक रूल आता है इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो नाम लिखते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और एम से पहले क्या आता है, ई आता है, तो पहला नाम किसका आएगा, इथाइल का, ठीक है। नंबरिंग तो हम किससे करेंगे, जहाँ से जो पहले पड़ेगा, पर जब नाम लिखना चाहेंगे तो उसमें हमें जो अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले लिखना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4-ethyl-2-methylhexane, ठीक है, ये इसका सही नाम, ठीक है। समझिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगला आता है यहाँ पे, इस कंपाउंड का नाम लिखे दो। अब देखिए सब्सटेंट चेंज हो गया, अभी तक हम खाली हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड यहाँ पे आ गया। तो ये वाला कंपाउंड तो सिंपल सा है, यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी 1, 2, 3 और 4, इसका नाम हो जाएगा क्या, 1-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है। नाम क्या हो गया, 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। अगला कंपाउंड, अब यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन वाली कार्बन चेन है, ठीक है। इन दोनों में से चुनना है कि कहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, क्योंकि दोनों सब्सटेंट सेम पोजिशन पे हैं। इधर से देंगे तो 1-2, इधर से देंगे तो 1-2, ठीक है। तो कौन से वाली नंबरिंग सही होगी, तो वही, तो यहाँ पे रूल आ जाएगा, यदि
दो प्रतिस्थापी समान स्थानों पर हो, दो प्रतिस्थापी समान स्थानों पर हो, तो वर्णमाला में जिसका स्थान पहले आता है उसे प्रायोरिटी देंगे, उसे प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, यदि दो प्रतिस्थापी समान स्थानों पर हो तो वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हैं हमारे पास, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो। ठीक है, तो ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले आता है? ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो को हम प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1, 2, ये वाली नंबरिंग से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो इथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो जैसे जैसे हम नाम लिखते जाएंगे वैसे वैसे रूल्स भी देखते जाएंगे। अगला है हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसपे दोनों हैं, तो यहाँ पे वही ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन। ठीक है, तो दोनों में से किसका नाम आएगा पहले? इन आएगा ना, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक हो गया, अब इसका नाम क्या जाएगा? तो देखो यहाँ से फिर से इसमें ध्यान रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई है नहीं, साइक्लिक कंपाउंड कोई है नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, रूट नेम, रूट नेम तो उसके गया हेग्स। ठीक है, अब देखो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या गए हैं यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो दोनों के नाम हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 ईन, ठीक है, और पांचवें कार्बन पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन। ठीक है, हेक्स 1 ईन 5 आइन इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो अब सेम कंपाउंड्स लेके क्या करना, एक बार उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है, इसमें कितने कार्बन है हम देख लें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। ठीक है, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, इसका नाम लिखने के लिए तो वही पहली बात, तो नंबरिंग सबसे लंबी कार्बन चेन तो एक ही आ रही है हमारे पास साइक्लिक, इस साइकिल की। ठीक है, इसके पहले कार्बन पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 1 क्लोरो। ठीक है, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो ये इसका पूरा नाम हो गया 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक हो गया, अगले कंपाउंड देखते हैं। अब थोड़ा फंक्शनल ग्रुप्स में चलते हैं, तो पहले टाइप का फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास एल्कोहल, कि एल्कोहल का नाम हम कैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है ऑल, सफिक्स ऑल लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नाम खत्म होंगे वो ऑल से खत्म होंगे। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो सिंपल सा है, रूल वही चलेंगे कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन 2 कार्बन वाली, 1 और 2, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो 1 और 2 आ गया। नाम क्या आ गया, 8, 2 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस ऑल, पूरा नाम आ गया इथेनॉल। ठीक है, तो 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या छोड़ दें 1 इथेनॉल। ठीक, दूसरा
कि कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो वही सबसे लंबी कार्बन चेन हम पहले ले लेंगे, एक दो तीन, ये यहाँ से करो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, कैसे भी कर लो, सारे क्या रहे, तीन ही कार्बन सबसे लंबी कार्बन चेन में आ रहे हैं। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, अब कि देखो यहाँ पे क्या, एक फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, सब्सट्रेंट हमारे पास है। तो पहला नाम किसका आता है, सब्सट्रेंट का। दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, टू मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो छोड़ देंगे। कार्बन चेन में तीन कार्बन है तो रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और दूसरे नंबर पे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है तो टू ऑल, समझे ना। पहले दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो टू मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप तीन कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा है तो टू ऑल, तो ये इसका पूरा नाम आ गया, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कई लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ये लिखना भूल जाते हैं, बॉन्ड्स के बारे में बताना भूल जाते हैं और नाम गलत हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला कंपाउंड है हमारे पास, इसमें भी सबसे लंबी कार्बन चेन ले लेंगे, एक और दो, ठीक है। अब नाम कैसे आएगा, देखो प्रतिस्थापित तो कोई है नहीं, दो क्या है क्रियात्मक समूह यहाँ पे हैं, दोनों क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा एथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, वन टू डाई ऑल, ठीक है, एथेन वन टू डाईऑल या इथाइलिन ग्लाइकोल इसे बोल देते हैं, ठीक हो गया, एथेन वन टू डाईऑल। अगला सेम इसी के जैसे कंपाउंड है पर साइकिल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ा दिक्कत आएगी कि एक साइकिल हमारे पास है, इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड भी आसानी से मिल जाए और OH भी आसानी से मिल जाए, तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस टाइप से हम नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें डबल बॉन्ड को भी पहली पोजीशन मिल जा रही है और OH को भी पहली पोजीशन मिल जा रही है, तो काम आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे, कैसा नाम आएगा, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या आ जाएगा, साइक्लो, ठीक है, छह कार्बन है तो हेग्स, पहले कार्बन पे ईन है तो वन ईन, और पहले और चौथे नंबर पे ओ एच ग्रुप है तो वन फोर डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन वन ईन वन फोर डाई ऑल, ठीक है। तो ये तो कुछ नाम थे एल्कोहल के, एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। अगला एल्डिहाइड्स के नाम, ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में जान लेते हैं कुछ, कि इसमें जो सफिक्स लगता है, जैसे ऊपर हम ऑल से नाम ख़त्म कर रहे थे तो इसके लिए सफिक्स लगता है अल, ए एल, ठीक है। दूसरा ये क्या है, एल्डिहाइड जो होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो किसी कार्बन चेन के टर्मिनल पे होते हैं, टर्मिनल मतलब एक कोने पे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कह लेते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए रूल आता है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से कार्बन को सदैव पहला नंबर दिया जाता है, ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सदैव पहला नंबर
दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, एक दो, ठीक है, तो इसको हम पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो एट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, पहली पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल, इथेन वन अल इसका नाम हो जाएगा, इथेन वन अल या एथेनल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, सेम दूसरे वाले पे, यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन चेन एक दो तीन, एक दो तीन, पर कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके कार्बन को पहला नंबर देना ही है, तो यहाँ से अब सबसे लंबी कार्बन चेन हम चुन लेंगे, एक दो तीन, आप ऐसे भी चुन सकते हैं, ऐसे भी चुन सकते हैं, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो वही प्रतिस्थापी देख लो, ये तो कार्बन चेन हो गई, इससे दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे, दूसरे वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरे पे दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो हमने क्या लिख दिया, टू टू डाई मिथाइल, ठीक है, तीन कार्बन मेन कार्बन चेन में है तो प्रोपेन, ठीक है, और अल, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सेम इसका है, इसी के जैसे ये है, सबसे लंबी कार्बन चेन पहले नंबर से दो, उसके बाद कार्बन चेन चुन लो, एक दो तीन पाँच, ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई, इसका नाम क्या हो जाएगा, टू टू डाई मिथाइल, पांच कार्बन है तो पेंटेनल, टू टू डाई मिथाइल पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड क्या एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जनरली वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अपने आप में कार्बन रखते हैं, ठीक, और उनके कार्बन को नाम लिखते टाइम पहला नंबर दिया जाता है। ठीक, अगला कीटोन, कीटोन भी अपने आप में कार्बन रखता है पर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या होता है कार्बन चेन के बीच में आता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, तो पहला कंपाउंड है हमारे पास, इसमें आप दोनों तरफ से कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो एक दो तीन, दूसरे नंबर पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन टू ओन, इसमें बताना भूल गया था, सफिक्स लगता है इसमें ओन, ठीक है, प्रोपेन टू ओन, या इसका नॉर्मल नेम है एसीटोन। अब इस वाले में देखें, यहाँ से प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पे है, प्रायोरिटी किसे देंगे, क्रियात्मक समूह को, तो तीन चार पाँच, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर फोर डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन टू ओन, फोर फोर डाई मिथाइल पेंटेन टू ओन इसका नाम हो जाएगा। अगला कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला नंबर किसे देना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम पहला नंबर दे देंगे, ठीक है, और इसका दाव हो जाएगा साइक्लो, ठीक है, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, साइक्लो वर्ड, साइक्लो पेंटेन प्लस वन ओन, ठीक है, यह इसका नाम पूरा लिख लें तो साइक्लो पेंटेन ओन, ठीक है, तो ये थे कुछ नाम एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के। अगला है ईथर, ठीक है, अगले नाम लिखेंगे हम ईथर्स के, तो
इथर्स के नाम लिखते टाइम थोड़ा दिक्कत आती है। इथर का नाम हम किस टाइप से लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं। इथर का नाम कैसा आता है? एल्कोक्सी एल्केन टाइप। अब एल्कोक्सी एल्केन नाम कैसे लिखते हैं? तो वही ये जो होता है ना, ये प्रतिस्थापी की तरह इसका नाम लिख लेते हैं। ईथर इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, ये ईथर या ऑक्सीजन बोलते हैं इसे। यहाँ पे भी सबसे लंबी कार्बन चेन हम ले लेते हैं, तो सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? 1, 2। ठीक है, तो ये तो कार्बन चेन हो गई। कार्बन चेन से हट के ये ग्रुप क्या हो गया? सस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप इसका नाम होता है मिथॉक्सी। इसका नाम अब कैसे लिख लेंगे हम? पहले कार्बन देखो क्या जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला ये वाला कंपाउंड है जैसे, अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे? वही सबसे लंबी कार्बन चेन होनी है। जैसे मैंने कहा अभी कि जो ईथर होते हैं उनका उनको हम प्रतिस्थापी की तरह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता, वो फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रायोरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, नंबरिंग देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। ठीक है, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप। ठीक, और तीसरे नंबर पे क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप। 3 मिथाइल, 3 मिथॉक्सी और पेंटेन। 3 मिथाइल, 3 मिथॉक्सी, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रायोरिटी किसे देंगे, मिथॉक्सी ग्रुप को देंगे या मिथाइल ग्रुप को देंगे? तो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है मिथॉक्सी ग्रुप को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब प्रायोरिटी जो हम किसे दे रहे हैं, मिथॉक्सी ग्रुप को दे रहे हैं, तो नाम भी किसका आएगा? 3 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, पेंटेन, जैसे इस पहले वाले का नाम है। तो प्रायोरिटी क्योंकि हम मिथॉक्सी ग्रुप को दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, पेंटेन। ये इसका सही नाम हो गया, ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही। ठीक है, तो यहाँ प्रायोरिटी हम क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप को दे रहे हैं, तो इसका नाम आ जाएगा 1 मिथॉक्सी, फोर मिथाइल, 1 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 1 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। एल्काइल ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप में से प्रायोरिटी किसे देंगे हम? एल्कोक्सी ग्रुप को। अगले कंपाउंड आते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इनका नाम कैसे लिख लेंगे? वही कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम खत्म करते हैं ओइक एसिड से। ठीक है, जो लास्ट में जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? ओइक एसिड। नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड इक्वल टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। 1, 2, ऑक्सैलिक एसिड जनरल नेम इसका क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो इथेन पहले, और दूसरे नंबर पे दो क्या है? COH ग्रुप है, तो डायोइक एसिड। इथेन 1, 2, डायोइक एसिड। अब बच्चा बीच वाला ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन ग्रुप है, एक साइड तो एल्डिहाइड है, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बन चेन तो क्या हो गई, एक दो तीन चार, वो कार्बन चेन लेते हैं जो सारे के सारे कार्बनों को कंटेन कर दे। अब इसका नाम कैसे आएगा, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और एक बन जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पहली बात तो ये कि नंबरिंग करेंगे कहाँ से, दोनों के पास कार्बन है, दोनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, पहला नंबर किसे देंगे। तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी जिसमें प्रायोरिटी बेसिस पे उनके नाम दिए गए थे, ठीक है। तो उनमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को। तो पहला नंबर आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये सब्सटेंट हो गया। इसका सब्सटेंट की तरह नाम लिखते हैं फॉर्मिल, ठीक है, फॉर्मिल इसका नाम आएगा फॉर्मिल। तो नाम कैसे लिख देंगे कंपाउंड का, चौथे नंबर पे फॉर्मिल ग्रुप है, फोर फॉर्मिल ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, ठीक है, फोर फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। समझे कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमें नाम लिखने होते हैं, नंबरिंग करनी होती है। अगले कंपाउंड आते हैं एमीन, एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, लास्ट में एमीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो पहला है जैसे ये वाला, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसका नाम आ जाएगा मिथेन एमीन, मिथेन प्लस एमीन या मिथेन एमीन, मिथेन एमीन इसका नाम, इसका नाम कैसे लिख देंगे। तो ये पहला टाइप है प्राइमरी एमीन, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन ले लेंगे, एक और दो, ठीक है। तो इतने का नाम तो क्या गया, इतने का नाम इथेन एमीन, ठीक है। और इस वाले एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है CH3, तो नाम आ जाएगा एन मिथाइल इथेन एमीन, ठीक है, एन मिथाइल इथेन एमीन, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे IUPAC नाम, तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, टू मिथाइल, और इतने का नाम तो क्या हो जाएगा, इतने का टू मिथाइल प्रोपेनेमिन, प्रोपेनेमिन ठीक है, प्रोपेन टू एमीन, सॉरी इसका नाम बन सकते हैं, टू मिथाइल प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। और नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, तो नाम क्या जाएगा, एन मिथाइल, एन मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करते जाना, ये लास्ट है हमारे पास टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन कैसे लिखेंगे, वही सबसे लंबी कार्बन चेन, तो तीनों तरफ इसके मिथाइल ग्रुप जो है, तो किसी भी एक को मान लो, इतने का नाम तो आ गया क्या, मेथेनेमीन, ठीक। और नाइट्रोजन पे जुड़े हैं दो मिथाइल ग्रुप, तो एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल मेथेनेमीन इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जिनके हमने नाम लिखे हैं, कुछ और हैं थोड़ा इन्हें भी देख लें, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर देंगे।
इसके बाद बचेगा हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम, तो अगली वीडियो में वो आपके सामने आएंगे। तो साइनाइड है, साइनाइड का नाम ख़त्म करते हैं नाइट्राइल से। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-कार्बन। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो सीधे सीधा नंबरिंग किसे करेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल, या इसे कार्बोनाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत कि यहाँ पे भी यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे साइनाइड है, इन दोनों में से किसके कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी देते हैं किसे, साइनाइड के कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं। 1, 2, 3 और 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 4-फॉर्मिल, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल, 4-फॉर्मिल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से हम साइनाइड्स के नाम लिख लेते हैं। अगला आता है एमाइड, एमाइड का नाम ख़त्म करते हैं एमाइड से। ठीक है, तो कहीं पे हमारे पास इस प्रकार से एक एमाइड है, तो ये भी टर्मिनल फंक्शन हो, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसका नाम कैसे कैसे लिख लेंगे, प्रोपेन प्लस एमाइड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमाइड। ठीक, वैसे अगला है, तो सबसे लंबे कार्बन चेन चुन लेंगे 1, 2, 3, तो इतने का नाम तो आ गया प्रोपेनेमाइड। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो नाम क्या जाएगा, एन मिथाइल प्रोपेनेमाइड। ठीक है, तो ये तो थे कुछ कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके आईपीसी नेम। अगले टॉपिक में हम इनके एरोमेटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेंगे। थैंक यू।